क्या निधि झा यश मिश्रा के चलते भोजपुरी के तमाम बड़े एक्टरों से अपना कनेक्शन तोड़ चुकी है? जी हाँ, अगर आप इस बात को गौर करें तो ये बात गलत बिल्कुल नहीं है। खबरों की माने तो यश मिश्रा को ये ज़रा भी पसंद नहीं है कि उनकी होने वाली पत्नी अब उनका कैंप छोड़, यानी कि उनका प्रोडक्शन हाउस छोड़ बाहर की किसी फिल्मों को करें। वैसे जिन जिन फिल्मों को लूलिया ने साइन कर लिया है उन्हें तो उन्हें पूरा ही करना होगा। कहा यह जा रहा है कि यश मिश्रा के बैनर तले बनने वाली अधिकतर मूवीज़ में हीरोइन के रूप में लूलिया यानी कि निधि झा का ही नाम सामने आया है। निधि को भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े जल्दी ही ख्याति मिल गई। निधि आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री का चमकता हुआ सितारा बन सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम समय में उन्होंने वो हासिल किया जो कि बहुत कम लोगों के हिस्से आता है। आज भी उन्हें पवन सिंह की हीरोइन के तौर पर ही याद रखा जाता है। पिछले साल तक पवन सिंह के बर्थडे पर उन्होंने विश तक किया था, लेकिन इस साल उन्होंने वो सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। अमूमन वो अब भोजपुरी के किसी बड़े कलाकार के साथ कोई फिल्म नहीं कर रही हैं, ना किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं। कहा जाता है यश मिश्रा जहाँ उनके जाने की इजाज़त देते हैं लूलिया वहीं जाती है। ये बातें भी कही जाती हैं कि यश और अंजना की शादी टूटने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि अंजना सिंह ने अपनी शादी, बच्चों और करियर के बीच करियर को ज़्यादा तवज्जो दी। उन्होंने यश मिश्रा के बैनर तले बन रही फिल्मों में काम तो किया ही किया, लेकिन बाहर भी, यानी कि अपने प्रोडक्शन के बाहर भी उन्होंने कई बड़े हीरोज़ के साथ काम किया। फिर वो चाहे रवि किशन हो, खेसारी लाल यादव हो या फिर पवन सिंह हो, बस इन्हीं सब बातों को लेकर यश और अंजना में खटपट बढ़ती गई और खटपट इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन लूलिया, जिन्हें पवन सिंह की गर्लफ्रेंड भी कहा जाता था भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने यश का साथ पकड़ा और उन्हें यश का साथ इतना रास आया कि आज वो यश के दिल की रानी बन चुकी है। भोजपुरिया दर्शकों ने निधि झा को घर तोड़ने वाली औरत तक करार दिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यश मिश्रा से मिलने से पहले लूलिया की दोस्ती अंजना सिंह से थी। लूलिया अंजना सिंह की बहुत अच्छी दोस्त थी और उसके बाद निधि झा की दोस्ती यश मिश्रा से हुई, और कहा जाता है कि यही दोस्ती आगे प्यार में बदल गई। लेकिन अंजना सिंह को इससे कोई गिला शिकवा नहीं है और उन्होंने यश मिश्रा की मंगनी के बाद एक इंटरव्यू में उन्हें और निधि झा को ढेर सारी बधाइयां दी। तो क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।